का एंड करते करते मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आज करवा चौथ थी या पोपट डे था। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और भाई, सबसे पहले तो आज एक खुशखबरी है, आप लोगों को पता तो चली गई होगी, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप भी आगे बढ़िए और अपने भाई को भी बढ़ाते रहिए। और दूसरा भाई, आज एक काम है मेरे को जो कि कल करना था, कल किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो आज मेरे को जाना चंचल के यहाँ पर करवा चौथ का सामान देने के लिए। अभी सुबह सुबह तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, दोपहर तक गाड़ी चलाऊँगा। दोपहर में मैं रोज़ाना आता हूँ, लगभग 3-4 घंटे घर पर रहता हूँ, उसी बीच में मैं चंचल के यहाँ जाऊँगा और सामान दे के आऊँगा। आज की करवा चौथ है और एक सरप्राइज़ है आपके लिए। 2 दिन से ना मैंने गीता मैडम को रुष्ट कर रखा है, करवा चौथ के लिए पैसे मांग रही थी, मैंने जानबूझ के पैसे दिए नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत खर्चा हो गया इस महीने। तो 2 दिन से मैडम का मुँह कद्दू की तरह फूला हुआ है, इसी वजह से ज़्यादा ब्लॉगों में दिख नहीं रही है, कि आती नहीं है, मैं बुलाता हूँ ना तो मुंह फुला के बैठी हुई है। तो आज गीता के लिए एक मस्त सा गिफ्ट लेना है ताकि शाम को खुश हो जाए, या दुखी हमले किया है तो खुश भी हम ही को करना है। और जानबूझ के किया है मैंने, कोई वैसे नहीं किया कि कोई झगड़ा हुआ हो, कि हमने देखना चाहता था इसका पेशेंस कैसा है। 2 दिन से ऐसे घूम रही है, मैं कोई बात पूछता हूँ तो उल्टा जवाब देती है, बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। तो आज मैडम को भी खुश करना है, चंचल के यहाँ भी जाना है, 900 सब्सक्राइबर आपने करा दिए हैं उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका खुश है। बस दिवाली से पहले इसको बन के तक पहुँचाइए और ज़्यादा खुशी होगी। बहुत मेहनत की है यार मैंने, एक ही रिक्शा चलाता हूँ भाई, परिवार की जैसी मजबूरियाँ और जैसी परेशानी चलती रहती हैं वो सब आपको पता है, जो लोग पीछे से देखते आ रहे हैं उनको सब कुछ पता है। फिर भी सभी परेशानियों को झेलने के बावजूद भी आपका भाई मुस्कुराते हुए आपसे जुड़ा रहता है, तो बस अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो आज का एक करवा चौथ वाला स्पेशल ब्लॉग शुरू कर दें, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। और हमारी कब्बू टिल्लू खुशी तीनों आ चुकी हैं, तो इनसे गुड मॉर्निंग बुलवा देते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग कब्बू टिल्लू खुशी। ये लोग एक स्पीड में बोल जाती है, मुझे खुद समझ में नहीं आता क्या बोलती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, निकलते हैं यहाँ से मथुरा जंक्शन के लिए। गाइस, ये हमारे नेताजी हैं, आज की करवा चौथ है, तो नेताजी से कुछ पूछते हैं, नेताजी के जमाने में कैसे करवा चौथ मनाते थे। हमने मनाया ही नहीं आता। हमने नहीं। ये ब्यूटी पार्लर वाला केस होता था आपके टाइम पे? पहले कहाँ चलते थे, फिर कैसे करवा चौथ मनती थी? पहले तो सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, उच्च विचार। अच्छा, तो कहीं घूमने फिरने जाते थे? आइए, हमारे एक मित्र आ गए हैं, सोनू बालिया जी, आइए आइए, हेलो कर दो एक बार। हेलो भाई, राधे राधे। ये हमारे मित्र भी भाई यूट्यूब पर हैं, मैं आपका इनके चैनल का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप चाहो तो देख सकते हो भाई के चैनल को भी। हम यहाँ नेताजी से करवा चौथ की जानकारियाँ लेने में लगे हुए थे, तब एक मित्र आ गया भाई बात करने के लिए। सोनू, काफी देर हो गई उससे बात हो गई, वो चला भी गया, अब फिर ये, और काम की स्थिति आज बहुत ज्यादा बुरी है भाई, लगता है सारी दुनिया करवा चौथ के चक्कर में बिजी हो गई है, अपने को काम नहीं मिल रहा है। एक चक्कर वृंदावन का लगाया है, वो भी बड़ी मुश्किलों से, उसको लगा के मथुरा जंक्शन के स्टैंड पे खड़े हुए हैं। वैसे यार काम तो कुछ दिख नहीं रहा, 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, वैसे भी मुझे चंचल के यहाँ भी जाना है भाई, तो सोच रहा हूँ निकल जाता हूँ, पहले उस काम को ही कराता हूँ, फ्री हो जाऊँगा, फिर शाम को थोड़ी बहुत गाड़ी चला लेंगे। वैसे भी आज शाम को घर से तो ऑर्डर आने वाला, जल्दी आने का, हर साल होता है तो याद है भाई, पता चल गया अब 15-16 साल हो गई हैं शादी को, तो हर साल जल्दी से घर जाना पड़ता आज के दिन। चलिए घर निकलते हैं, चंचल का जो सामान पहुंचाना उससे पहुंचा के आते हैं, चंचल से मिलाऊंगा, उसके घर जाएंगे, देखेंगे कैसा रहेगा सब कुछ। भाई साहब, थोड़ी देर पहले मैं घर जाने की बात कर रहा था और भाई घर से निकलने के टाइम पे ही सवारियां मिल गई, ये हमारी सवारियां हैं। हेलो गाइस, कहाँ से हो भाई लोग? मुंबई। मुंबई, तो भाई मुंबई से है, पहली बार आया, पहले भी कभी आया मथुरा वृंदावन? फर्स्ट टाइम है। चलो बंसी वाला इनका अच्छे से मौज कराए, कुछ अच्छी यादें मथुरा वृंदावन से लेके जाए। और इनको भाई इस्कॉन टेंपल के पास कोई गेस्ट हाउस बता रहे हैं, वहाँ पे छोड़ना, उसके बाद अपन फ्री हो जाएंगे, फिर घर जाना, अपना काम भी है। चलिए पहले इन्हें छोड़ते हैं, फ्री होते हैं जल्दी से। तो बस ये है हमारी सवारियाँ, हमने ड्रॉप कर दी है और ये इनका होटल है जिसका नाम सामने आपको दिख रहा है। अब इनको टाटा बाय बाय करते हैं, अपने पैसे नहीं देते और निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय, ठीक है सर, राधे राधे, पैसे तो दे जाइए मुझे। पैसे नहीं दिए भाई, बहुत खुश है मथुरा वृंदावन आके। हरि बोल।
लाइए सर, पैसे दीजिए हमारे, हमें राधे राधे बोलते हैं फिर आपको। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आज हमें चंचल के यहाँ जाना है सामान देने के लिए करवा चौथ का, और भाई गली में उम्मीद थी किसी न किसी के यहाँ बाइक मिल जाएगी तो उससे निकल जाऊँगा। आज पूरी गली में घर घर डोले, लेकिन किसी के पास बाइक नहीं थी, तो मुझे अपने मित्र, पुराने परम मित्र, धर्म मित्र, कर्म मित्र, हमारे सुनील पंडित जी को बुलाना पड़ा है। ये हमारे पंडित जी, हेलो कर दो। तो पंडित जी और मैं जा रहे हैं चंचल के यहाँ करवा चौथ का सामान देने के लिए, रेडी हो चुका हूँ। दोपहर को घर आया था लगभग 1:30 बजे के करीब में, बहुत लेट हो गया था, खाना पीना खाया, थोड़ा सा आराम किया, और भाई तुरंत तैयार होकर जाना पड़ रहा है। और हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो भाई, एक ही शर्ट एक ही पैंट है मेरे पास आने जाने के लिए रिश्तेदारियों में, ज़्यादा मैं रखता ही नहीं क्योंकि कहीं जाता आता ही नहीं हूँ, मजबूरी पड़ जाती है तो मुझे कहीं जाना पड़ता है। आज अगर छोटा भाई होता मुरारिया भूरा में से कोई भी यहाँ पे, तो वही लोग जाते, लेकिन उन दोनों में से कोई है नहीं, छोटा भाई भूरा है वो गया अपनी ड्यूटी, और मुरारी मम्मी के साथ छाता फंसा हुआ है, तो मेरी मजबूरी है, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। चलिए फटाक से इस काम को करके आते हैं, चंचल क्या होके आते हैं, फिर देखेंगे आगे कहानी क्या बनती है, शाम को गाड़ी चलाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। गाइस, जिस काम से चंचल के यहाँ गए थे वो काम करके आ चुके हैं, जो करवा चौथ का सामान देना था वो दे आए, और भाई अपना पोपट हो गया है आज। जब चंचल के यहाँ गए थे ना, तो वहाँ पे जाने के बाद भाई ब्लॉक करने की बिल्कुल भी याद नहीं रही, बातों में ऐसे खो गए कि वहाँ से विदा होने के बाद जब गाड़ी में बैठ रहे थे तब याद आया मेरे को कि चंचल के घर पे यार ब्लॉक तो किया ही नहीं है बिल्कुल भी, अब मैं दिखाऊंगा क्या। तो भाई पोपट हो गया है आज घर से, सुबह से क्या कल से ही हल्ला कर रखा है कि चंचल के यहाँ जाना है, और जब गए तो ब्लॉक करने का ध्यान ही नहीं रहा, भाई पोपट हो गया भाई। अब फिलहाल मैं और मेरे पंडित जी, हमारे दोस्त, दोनों घर के लिए वापस जा रहे हैं, जो काम था वो हो चुका है, घर पहुँचेंगे, हाथ को धोएंगे क्योंकि धूल में हो गए, रोड में बहुत भयंकर धूल उड़ रही है, उसके बाद देखेंगे शाम को गाड़ी चलाने जाना है कि नहीं जाना। गाइस, मेरे घर में भी कोई ना कोई ड्रामा नया आ ही जाता है। अभी मैं चंचल के यहाँ से आया था, और आते के साथ ही देखा पूरे घर में अंधेरा हो रखा था भाई, लाइट चली गई थी, तो बाहर से जाके देखा तो मीटर में लाइट आ रही थी, और लेकिन अंदर घर में सप्लाई नहीं आ रही थी, तो हम लोगों को लगा कि ऊपर से कहीं लाइट ना काट दी हो बिजली विभाग ने बिल ना भरने की वजह से, वैसे बिल भरने में तो अभी टाइम है, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने चेक किया तो ऊपर से लाइन कटी हुई थी, तार जल गई पता नहीं कैसे यार, आने के बाद तभी से लगा हुआ, पूरा का पूरा पसीने में नहा दिया यार, घर में कोई और है नहीं, मैं ही हूँ भाई, तो मुझे ही लगना पड़ता है आने के बाद। तो अभी लाइट सही की है, अब घर में उजाला हुआ है भाई, आज करवा चौथ वैसे है, अगर लाइट नहीं आती ना तो पूरी रात करवा चौथ अंधेरे में मनती भाई हमारी आज। चलिए लाइट चालू हो गई है, मैं निकल रहा हूँ अब गाड़ी चलाने के लिए, थोड़ी सी देर चलाए आते हैं फिर आ जाएंगे, गीता के टाइम पे जब कॉल करेगी तभी आ जाएंगे, वैसे भी कुछ लेके भी तो आना है भाई गीता के लिए। चलिए पहले गाड़ी चलाते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको तो मजा आने ही वाला है। गाइस, घर से निकल के स्टेशन की तरफ आ तो गए, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है भाई। ये हमारे दो मित्र आ रहे हैं, संजय और सचिन, SS, कैसा काम निकल रहा है भाई? अबे मैं कान मार दिया, मैं दोपहर के बाद तो अब आया हूँ यार, उसके बाद चंचल के यहाँ चला गया था, अब आया हूँ भाई, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सन्नाटे पसरे हुए हैं, गाड़ी वाले हमारे सारे साथी खड़े हैं, वैसे शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा है नहीं अभी। गाइस, दो दिन से मैडम इतनी रुष्ट कर रखी है कि आज मनाने के लिए भाई मिठाई लेने के लिए आए रात का स्वीट्स पे। गाइस, मिठाइयों की ये हालत हो रखी है भाई, मिठाई की दुकानों पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, अभी रात का स्वीट्स गया था। और गाइस, हमारे मथुरा में दो मिष्ठान भंडार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक तो पहला है ब्रजवासी स्वीट्स और दूसरा रात का स्वीट्स। भाई रात का स्वीट्स की दुकान पर मिठाई नहीं थी, दो तीन तरह की मिठाई आती जो कि मुझे पसंद नहीं आई, तो गाइस वहाँ से लौट के फिर आया हूँ मैं रमन मिष्ठान भंडार पे, ये भी अच्छा खासा ब्रांड है हमारे मथुरा में, तो यहाँ से लेते हैं। और भाई ऐसी भीड़ लगी हुई है मिठाइयों की दुकान पे, बीवियों के डर से सारा का सारा जमाना बीवियों से बहुत डर रहा है, चलिए ले लेते हैं पहले, यहीं भी ख़त्म नहीं हो जाए कहीं। भाई साहब, हलवाई की दुकानों पर ऐसे भीड़ लगी हुई जैसे फ्री में मिठाइयाँ बट रही हो, जैसे भाई तो वह मची पड़ी है हर तरफ, राधिका स्वीट्स पे तो मिठाई नहीं मिली, तो यहाँ रमन मिष्ठान भंडार पे आना पड़ा है। ये भी बहुत ही प्रतिष्ठित दुकान है हमारे मथुरा में, मथुरा जंक्शन के पास, इनकी दो ब्रांच है, राधिका स्वीट्स और ब्रजवासी की काफ़ी ब्रांच है, लेकिन मिठाई की क्वालिटी इनकी भी बहुत अच्छी है। चलिए मिठाई मिल गई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है मिठाई के लिए, जितना काम में नहीं करनी पड़ती जितनी मिठाई के लिए करनी पड़ी है, भयंकर भीड़ लगी हुई है भाई दुकान पर, नंबर भी नहीं आ रहे यार।
तो गाइस फाइनली चांद निकला है, देखिए सामने से आपको दिख रहा होगा। और भाई आज से ऑफिशियली दिवाली की भी शुरुआत हो जाती है, तो बम पटाखे चल रहे हैं, ये चांद निकलने की खुशी में ही चल रहे हैं। और इधर को हमारी मैडम की तैयारियां चल रही हैं, ये देखिए सारे काम ऊपर के हो गए थे, पानी पिलाना भूल गया भाई, अब पानी पिला देते, सुबह से व्रत है। हो गया लो भाई, ये आयुष्मान बाबा मैडम भी बोलेंगी हैप्पी करवा चौथ आप सभी को, ठीक है गाइस। खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद में ब्लॉग का एंड करेंगे और कुछ इंस्टाग्राम के लिए सेल्फी वगैरह 2-4 पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस वैसे तो आज करवा चौथ का दिन है, लेकिन भाई इस दिन का एंड करते करते मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आज करवा चौथ थी या पोपट डे था। आज मेरा एक नहीं दो बार नहीं भाई 3-3 बार पोपट कटा है, और कैसे कैसे कटा है वो बताता हूँ सबसे पहले आपको। तो गाइस 2 दिन से मैं आपसे कहने में लगा हुआ हूँ, कल भी मैं आपको बता रहा था कि मुझे चंचल के यहाँ पे करवा चौथ का सामान लेके जाना है, और वहाँ पे गया था और वहाँ जाने के बाद ब्लॉग करना ही भूल गया। चंचल के यहाँ जब पहुँचा मैं तो बातों में ऐसे खो गए, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया। वहाँ से वापस आया, रास्ते में मेरे को याद आया कि यार चंचल के यहाँ पे ब्लॉग तो किया ही नहीं है, अब मैं वापस जाके दोबारा तो नहीं बना सकता था, तो फिर मैं गया ही नहीं। तो पहला पोपट तो वहाँ पे हुआ, और गाइस दूसरा पोपट ऐसे हुआ मेरा कि घर पे जब वापस आया था चंचल के यहाँ से, यहाँ पे आके मुझे पता चला कि लाइट नहीं थी घर पे, तो पूरा घर पहले तो कनेक्शन सारे चेक करने पड़े कि कहाँ से गड़बड़ है, क्योंकि मीटर में लाइट आ रही थी लेकिन घर के अंदर सप्लाई नहीं आ रही थी। तो मैंने चेक किया, ऊपर भाई तार जले हुए थे, उनको जोड़ा, उसमें लगभग मेरा आधा घंटा खराब हो गया और मेरा दिमाग भी ऑफ हो गया। तो वीडियो मेरा एडिट हो ही चुका था दोपहर में, उसके बाद मुझे अपलोडिंग पे लगाना था, तो अपलोडिंग पे लगाया, पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी, और मुझे लगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है लगभग 6:15 बजे के करीब में। थोड़ा सा लेट हो गया था डालने के लिए, लेकिन मुझे लगा था कि मैंने अपलोड कर दिया है। और मैं घर आने के बाद थोड़ा सा गाड़ी चलाने के लिए निकल गया, वैसे भी मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना था, आपको बता ही रहा था गीता को खुश करने के लिए। तो भाई लगभग 8 बजे के करीब में मैंने चेक किया, देखता हूँ कैसा वीडियो चल रहा है, तो देखा तो वीडियो अपलोड हुआ ही नहीं था। मैंने यार ये क्या हो गया भाई, 2 घंटे से मैं लगा हुआ हूँ कि मेरा वीडियो अपलोड हो गया, टेंशन फ्री होकर काम करने में लगा हुआ हूँ, तो दूसरा पोपट ऐसे हुआ। अब तीसरा कैसे हुआ ये बताता हूँ आपको। गीता के सारे प्रोग्राम हो चुके थे, छत पे मैं आपको दिखाई चुका हूँ, उसने छलनी वगैरह अरग वगैरह सारा काम करके कम्प्लीट, मैं सीधा नीचे आ गया छत पे, तो एक आवाज़ आई ऊपर से, अरे भाई सुबह से प्यास भी मर रही हो, कम से कम पानी तो पिला जाते, मैं बिना पानी पिलाई नीचे आ गया था। तो मैडम ने आवाज़ मारी, फिर मैंने नीचे बुलाई, नीचे बुला के जब पानी का उसका व्रत खुलवाया, तो भाई नहीं 3 बार पोपट हुआ है। आप कमेंट करके बताना जरूर कि मेरे लिए आज करवा चौथ थी या पोपट डे था, बताना जरूर प्लीज़ यार। और आज फिलहाल मैडम 2 दिन से जो रुष्ट थी आज खुश कर दिए, मैंने छोटा सा गिफ्ट दिया, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है, लेकिन मैडम खुश हो गई हैं। छोटे परिवारों में यार यही होता है कि छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं, ऐसे ही मैडम को खुश कर लिया मैंने कम पैसे खर्च करके। और गैस अच्छे से शांतिपूर्वक मेरी करवा चौथ मनी है, आई होप कि आपकी भी ऐसे प्रेमपूर्वक शांतिपूर्वक अच्छे से मनी होगी। कैसे मनी है कमेंट करके बताइएगा जरूर, कहीं घूमने फिरने गए या क्या किया आपने वो भी बताइएगा। भाई अपनी ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है, ना तो कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, ना कुछ अलग से कर सकते हैं, बस जो नॉर्मल परिवारों में होता है ना वैसी अपनी मनी है। फिल्मों की तरह कोई बड़ा सेटअप या बिल्डअप नहीं करते हैं भाई, बहुत सिंपल सी मनाते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे ही हमने भी मनाई है। आई होप कि आपकी भी अच्छे से मनी होगी। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना, करोगे ना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।